5 राज्यों के विधानसभा संपन्न हुए। अब तैयारी है लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसको लेकर हर एक पार्टी अब कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं कमर कसनी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी भी कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपनी पहली रैली की शुरुआत करेंगे। वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार वहां से रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद यानी कि 21 जनवरी को वे झारखंड के हजारीबाग के रामनगर में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये रैली इंडिया एयरलाइंस से बिल्कुल हटके है, इसका इंडिया एयरलाइंस से कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि बीच में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसा मानना सबका है। हालांकि नीतीश कुमार का इस पर खुलकर कोई भी बयान सामने नहीं आया था। बनारस में होने वाली रैली की कमान बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को दी गई है। श्रवण कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि बनारस में जो भी रैली होगी या वाराणसी में जो भी रैली होगी उसकी कमान वो देखेंगे। लेकिन ऐसा होना तो बहुत लाजमी है। नीतीश कुमार कोई बयान दे या फिर नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान हो, इस पर राजनीतिक बयानबाजी होना तो तय है। अब इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार यूपी और झारखंड से रैली को संबोधित करना शुरू करेंगे और लोकसभा की तैयारी भी करेंगे, उस पर उन्होंने मीडिया से जवाब देते हुए कहा कि बिहार में तो उनकी कोई सुनता नहीं है, तो अब वो यूपी और झारखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनको बिहार की जनता नहीं स्वीकार करती, जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, जिनकी नीतियों ने बिहार को अभी तक पिछड़ा बना के रखा, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? ये संभव ही नहीं है। शक्ति प्रदर्शन या प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने के लिए जरूर ये बनारस जा रहे हैं, पर बनारस के लोगों को जवाब भी तो दें कि कौन सा बिहार मॉडल लेकर आए हैं, हत्याओं का कि भ्रष्टाचार का, या शराबबंदी के बाद भी यहाँ पे बिकने वाली शराब का? कौन सा बिहार का मॉडल लेके जाएंगे? पुल हवा में गिरते हैं कि बांध चूहे कुतर जाते हैं? कौन सा मॉडल बनारस की जनता को ये बताएंगे और उसके सहारे देश की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बिहार मॉडल के सहारे देश आगे बढ़ सकता है? हकीकत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ अब हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। ना विपक्ष के नेताओं का इनके ऊपर विश्वास है और जनता तो पहले ही विश्वास इनसे खो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार शुरुआत से इंडिया गठबंधन के एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार ही 26 दलों के नेताओं को एक छत के नीचे लेके आए थे। पहली बैठक इंडिया एयरलाइंस की पटना में हुई थी, दूसरी बैंगलोर में हुई थी और तीसरी बम्बई में हुई थी। लेकिन अब चौथी बैठक इंडिया एयरलाइंस की 17 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है और उसके बाद यानी कि 24 दिसंबर को नीतीश कुमार वाराणसी में एक जनसभा को, एक रैली को संबोधित करेंगे। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चुनौती क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ रास आएगी? क्या सच में नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से 2024 का चुनाव लड़ेंगे?